तो ये रहा हेलो गाइस, कैसे हो? बोल दे कैसे हो? एक टाइम ऐसा भी आता है कि सब ठीक हो जाता है, सब अच्छा लगता है चलने जैसे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइपरबोल 5। आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही चाहिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि माइक जो है वो ख़राब हो गया था और ऑर्डर मैंने कर दिया था, वो आ गया हुआ है। तो बताते हैं आपको और उसका रिव्यू बताते हैं, फिर टेस्ट करके देखते हैं कि क्या क्वालिटी उसकी। तो बताते हैं आपको। तो ये कल आ गया हुआ था, बट कल मैं घर में नहीं था तो मैंने रिसीव कर लिया था पार्सल। तो ये मैंने मोनो को मंगाया था, देख ही सकते हो आप लोग, मैंने खोल के भी देखा था। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, देख ही सकते हो आप। यार एक हाथ से काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा, इसके साथ एक्सेसरीज भी आई हुई है। एक्चुअल में एक कॉलर माइक भी यूज़ कर सकते इसको हम, इसको यहाँ पे लगा के। और साथ में इन्होंने ये भी भेजा हुआ है और मैंने एक एक्स्ट्रा भी मंगा के रखा हुआ था, टूट जाता है शायद दूसरे रूम में। हाँ ये रहा, तो एक मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया हुआ था क्योंकि बहुत नाजुक सी होती है तो टूट जाती है, पता नहीं लगता इसका। तो इसको फिट करते पहले और फिर एक टेस्ट ड्राइव लेके देखते। वैसे तो टायर बैठा हुआ, वो भी डलवाना है, बैठा गया वो तो मतलब फटी गया हुआ है टोटली ख़त्म। तो आज ही के दिन मैं उसको उसका टायर भी डलवा दूंगा, वो ब्लॉग भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। बारिश और इग्नोर करना गाइस, घर में इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है मुझे इस चीज़ से, इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करके रखा हुआ, मतलब इसकी वजह से। इसके लिए मैंने पैसा खर्चा बट वो पैसा वेस्ट रहा। तो ये आ गया, सो गाइस हेलमेट की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो, क्या ही कंडीशन रखी है इसकी, डबल टेप से चिपकाया हुआ है गाइस, कसम से बहुत क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो जल्दी से इसको करते हैं फिक्स इसमें, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या जुगाड़ बनता है इसका। वैसे तो शायद थिंक पिछला वाला माइक जो है वो भी ठीक था, उसको भी ट्राई करके देख लेंगे, चलता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में काम आ जाएगा इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको करते हैं फिक्स और फिर बताते हैं आपको। A few moments later. So finally guys, ये फिक्स हो गया यहाँ पे, और ये रहा अपना पुराना वाला माइक। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको फिक्स करते, पूरा अंदर से यहाँ किस साइड लगाया मैंने, मैं भी भूल गया। तो राइट साइड आ गया इसका माइक इस साइड, तो भी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं, मतलब आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो गद्दे, हेलो गाइस, कैसे हो? बोल दे कैसे हो? सो गाइस अभी एक राउंड मार के आते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं इसकी कि कैसी है और विंड ब्लास्ट वगैरह है या नहीं। तो चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस अभी आवाज़ आ रही है आपको मोनो के माइक से, आई होप कि बढ़िया ही आ रही हो। तो चलते हैं अब बाइक के पास, भाई था यहाँ पे एक मेरा, उसको बोला मैंने बाइक के लिए, तो उसकी बाइक मांगी है एक
टेस्ट ड्राइव मार के आते हैं छोटी सी ऊपर वाली साइड, तो टेस्ट भी कराएंगे और ब्लॉग भी बन जाएगा, लंबा हो जाएगा आपको पता ही है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं बाइक पे। यहाँ अंदर है भैया। भैया कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हो? चल घूमने चल चल, बाय कर दे, बाय गाइस। डीसीम कर दे, बाय गाइस। तो गाइस ये था मेरा छोटा भाई, ऐसे बोलता रहता हेलो गाइस हेलो गाइस, तो ऐसा कुछ अपना गांव देख ही सकते हो आप। तो चलो मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो फाइनली गाइस बाइक के पास पहुंच गए, तो अभी चलते हैं इस पे। फाइनली स्टार्ट हो गई है और इसकी पिछली ब्रेक की कंडीशन में आपको बता नहीं सकता कि कैसी है, मतलब ना के बराबर ही है। गाइस मैं बड़ा परेशान हूँ, तो यहाँ से ऊपर वाली साइड तक चलते हैं। होप करता हूँ कि अब ज़्यादा विंड ब्लास्ट ना हो। यहाँ का तो इस रोड का तो आई मीन बुरा हाल है। बस बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। ओ भाई साहब बुरा हाल है इस बाइक का। कसम से एक टाइम तो ऐसा आता है कि सब गलत होता है, सब मतलब कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो ठीक होगी, और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि सब ठीक हो जाता है, सब अच्छा लगता है चलने। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है मेरा एक टाइम जो था वो काफ़ी गलत आया था, और अब एक टाइम जो है वो काफ़ी सही होने वाला है, अंदर से फील हो जाता है गाइस। आई होप करता हूँ कि गाइस क्वालिटी अच्छी आ रही हो साउंड की। तो यहाँ से वापस चल पड़ते हैं। तो मैंने भी पहले यूज़ नहीं करा है ये पहले वाला माइक मेरा, पता नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, आई थिंक बोआ का था, बट उसने 2 महीने में साथ छोड़ दिया इसलिए हमें नया मंगवाना पड़ा। और ब्रेक्स में आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि कितनी खतरनाक ब्रेक्स है इसकी, और पीछे ठल 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 लगा हुआ है, मतलब लग गई नहीं थी ब्रेक इसकी पिछली। तो भाई तू मेरा ब्लॉग देख रहा है ना, तो इसकी ब्रेक्स बनवा ले यार काफी खतरनाक है। यहाँ पे रुक के बाइक फिर बंद होगी। चलो जैसी भी है, भाई ने दी तो है अपनी बाइक, तो पहले तो
ब्रेक चेक करो आप इसकी, ये देखो ख़त्म। तो गाइस आई होप करता हूँ कि साउंड क्वालिटी जो है इस बार बेटर होगी, हो ज़्यादा विंड ब्लास्ट ना हो। तो रिव्यू आप लोगों को लगी क्या पता, बाकी बढ़िया वाला रिव्यू हम आपको अपनी रॉक्सी में देंगे इसका, कि मतलब विंड ब्लास्ट ज़्यादा आता है यानी मतलब तेज़ भगाने पे। अभी तो मैं नॉर्मली चला था। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो ये माइक तो आप कर सकते हो गाइस, मुझे पता तो है नहीं इतना, बट अपनी तरफ से प्रेफर कर रहा हूँ। मैंने देखा था यूट्यूब पे इसका रिव्यू वगैरह, तो मुझे बेटर लगा था तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो आप लोगों को पता ही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 गाइस।